Hello, welcome back. We're doing integration, indefinite integration, and today we'll be looking into some important properties, important easy properties, and we'll be looking into the questions that are based on those properties. So this is the first one, right? And this is the second one that we'll be mainly focusing on, right? अब देखो ये कुछ खास नहीं है, ये simply यहाँ पे plus c भी होना चाहिए था, यहाँ पे plus c भी होना चाहिए थे, तो ये कहीं और से नहीं निकलता, ये substitution से ही निकलता है. कहाँ से निकलता है? सब्स्टिट्यूशन से. ठीक है, अगर आपके पास कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ कोई कंपोजिट फंक्शन है, राइट, एफ डैश जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स एंड जी डैश एक्स इज देयर, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली उस जी एक्स को यू लोगे और फिर जी डैश एक्स डी एक्स डी से रिप्लेस हो जाएगा, एंड देन यू विल बी यूजिंग दिस. तो ये कहीं और से निकल के नहीं आता, ये सब्स्टिट्यूशन से ही निकल के आता है. ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, लेट्स से कुछ ऐसा आपके पास है ऊपर, मान लीजिए sec square x और नीचे है आपके पास tan x dx, तो अगर आप इस बात को देख पा रहे हो कि ये कौन सा फॉर्म है, f dash x upon fx, तो स्ट्रेट अवे भी आप आंसर बोल सकते हो दैट द आंसर इज log of tan x, है ना. एक तरीका तो ये है कि मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर लूं, ठीक है, वो भी सही है, लेकिन अगर तुम्हें ये दिख रहा है तो ये ज्यादा फास्ट है, ज्यादा एक्यूरेट है. ठीक है, वेरी हैसल फ्री. ठीक है, सपोज करो एक और क्वेश्चन लेते हैं. सपोज कीजिए आपके पास आ गया साइन एक्स रेज टू द पावर 10 इंटू कॉस एक्स डी एक्स, राइट. अब सोच के देखो ये क्या है, साइन एक्स को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, जब आप साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? कॉस एक्स मिलेगा. यानी ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है? f dash x into dx, ये वाला फॉर्म दिख रहा है. सो स्ट्रेट अवे मैं, अगर तुम सोच के देखो तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें sin x को t लेना है और फिर सब्स्टिट्यूशन में जैसे आप करते थे dt by dx is what, dt by dx is cos x, so how are you going to substitute cos x into dx by dt, तो अगर आप सोच के देखें तो ये है क्या, t की पावर 10 into dt, and what is t, t is sin x, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ, t raised to the power 11 upon 11 plus c, what is t, t is sin x, so the answer is what, the answer is sin x whole raised to the power 11 upon 11 plus c. ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं सब्स्टिट्यूशन से ही निकल के आती हैं जो कि हम यहां पे करने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस. आइए जरा क्वेश्चंस देखते हैं. 9.8 में इसके कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस इस पे बेस्ड हैं. आइए देखते हैं कैसे डील करें. 1 माइनस कॉस 2x और ऊपर 1 दिख रहा है, ऊपर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, क्या किया जाए, चलो सोचते हैं 1 माइनस कॉस 2x कैसा दिखता है. क्या इंटरनेट चला गया था क्या? आई होप यस. ओके, कोई नहीं, आइए रिज्यूम करते हैं यहीं से, नो इश्यूज. सो आई होप दिस इज व्हाट वी वर डूइंग, वी वर डूइंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ठीक है, देखो, सो डूइंग द फर्स्ट क्वेश्चन, हम ये डिस्कस कर रहे थे. ओके, 1 माइनस कॉस 2x को मुझे क्या लिखना चाहिए? 1 माइनस कॉस 2x को मैं लिखना चाहता हूं ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, आई एम श्योर आपको पता है, और ध्यान रखना इस बात को, हालांकि यहां पे इसके यूज करने की स्कोप नहीं दिख रहा मुझे, बट ध्यान रखना अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कभी भी मॉडुलस एक्स होता है, यानी अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स जब बाहर आएगा तो हमेशा मॉडुलस ऑफ साइन एक्स होगा. डू रिमेंबर दैट. यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू दी होती तो आंसर्स डिफरेंट हो जाते, बट क्योंकि यहाँ पे नहीं दे रखा है तो इनडायरेक्टली वो आपको क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि आप रूट टू को बाहर रखो और यहाँ कुछ नहीं, डी एक्स अपॉन साइन एक्स रखो. ठीक है, डी एक्स अपॉन साइन एक्स रखो. अब बात आती है भैया साइन एक्स का क्या करें, साइन एक्स तो बड़ी टेंशन वाली बात है ना, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सोचते हैं. अगर हमारे पास यहाँ पे साइन एक्स है और हम यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि इसको साइन एक्स को कोसेक एक्स लिख लें, क्या लिख लें, कोसेक एक्स लिख लेते हैं, चलेगा क्या? चलेगा. तो ये क्या आ गया, 1/√2 कोसेक एक्स डी एक्स. अब कोसेक एक्स क्या करें, ये भी बड़ी परेशानी वाली बात लग रही है, तो टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल रिलैक्स होकर के सोचने का है. ठीक है, ये आपके पास 1/√2 है, राइट,
अब तुम्हें कुछ सोचना है कि यार कुछ तो ऐसा हो जिसको कि हम स्ट्रेट अवे जिसकी डिफरेंशिएशन याद करने पे आती हो, या फिर सब्स्टिट्यूट करके बात बन जाए, यही तो सोचोगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी चीज है जिसको कि तुमने अगर पहले कर रखा है तो तुम्हें ध्यान रहेगा, नहीं कर रखा है तो फिर परेशानी आ सकती है। राइट, जैसे कॉसेक एक्स है, तो तुम अगर इस बात को ध्यान रख सको, राइट, कि अगर आप कभी भी कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से ऊपर नीचे इसी टर्म को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो बताओ ऊपर क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आएगा, बोलो हाँ या ना? ठीक है, मैंने क्या किया, ऊपर नीचे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। कोसेक एक्स ऊपर तो था ही, जो था वो था, उसको मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया। ठीक है, और ऊपर नीचे मैंने क्या किया, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई। बताइए, मैंने बोला ये वाली चीज तुमने पहले कर रखी है तो इट विल हिट योर माइंड, अदरवाइज इट माइट नॉट हिट योर माइंड ड्यूरिंग द एग्जाम। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग एंड अ वेरी जनरल थिंग, राइट, क्योंकि अभी आपने जस्ट स्टार्ट किया है तो हो सकता है आपके लिए कुछ नई चीज लग रही हो, बट ये सब्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब सोच के देखो, अगर तुम कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को टी लेते हो, तो सोच के देखो तुम्हारे पास डी टी बाई डी एक्स कितना आ रहा है। कोसेक एक्स का क्या होता है, व्हाट इज कोसेक एक्स? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स? इट इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स जाएगा। तो क्या तुम्हें कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या? ठीक है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, एग्जैक्टली वही है। क्या आंसर बोलोगे? अच्छा एक चीज और, हमारे पास ये एक्स था, बाकी सब सही है, 1/√2 हम अपन एज इट इज रखेंगे। फाइनल आंसर क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, ये यहाँ ध्यान रखने वाली बात है जिसको आई होप आप आज के बाद ध्यान रखेंगे। एक और इससे मिलती जुलती चीज है जो मैं यहीं पे तुम्हारे सामने रखता हूँ, राइट, यहीं पे आपके सामने रखूंगा। जैसे अभी अभी तुमने इस बात को रियलाइज किया दैट द इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज नेचुरल लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, दैट इज व्हाट द इंटीग्रेशन इज। कैसे हमने इस रिजल्ट पे हम कैसे आए, सब्स्टिट्यूशन से। ठीक इसी तरीके से आप इसको भी ध्यान रखेंगे दैट द इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, अगर मुझे सेक एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए तो ये फिर से वैसे ही अचीव होगा, राइट, और इसकी इंटीग्रेशन कितनी होती है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, हिंट दे देता हूं। क्या करोगे, ऊपर नीचे सेक एक्स टेन एक्स से डिवाइड करोगे, जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, सेक स्क्वायर एक्स प्लस sec x into tan x, और नीचे क्या रह जाएगा, sec x plus tan x। देखना सिर्फ इतना है कि ऊपर जो एक्सप्रेशन है क्या वो नीचे वाले एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन है क्या, क्या वो उसका डेरिवेटिव है क्या, अगर है तो काम हो गया ना। sec x की डिफरेंशिएशन sec x tan x, tan x की sec square x, yes। कौन सा फॉर्म है ये, f dash x upon fx, what is that, log of fx। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिसको आप आज के बाद ध्यान रखेंगे। इतना ही नहीं, अगर तुम्हारे पास कभी भी टैन एक्स की इंटीग्रेशन पूछी जाती है या फिर कॉट एक्स की इंटीग्रेशन पूछी जाती है तो ये भी एग्जैक्टली इसी तरीके से आता है। तुम सोच के देखो ना, टैन एक्स क्या है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, राइट, क्या है ये, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, और ये कितना है भाई, दिस इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, समझ रहे हो कि नहीं? अब अगर इसकी इंटीग्रेशन पे हम थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, अगर मैं साइन एक्स को टी ले लूं तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा, तो इसकी वैल्यू तो स्ट्रेट अवे कितनी दिखती है, लॉग ऑफ कॉस एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स, राइट, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है ना, क्योंकि हमने साइन एक्स को टी लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट क्या आता है, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड रिजल्ट। अब फर्स्ट में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कॉस एक्स को टी लेते हैं तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन एक्स होगा, यहाँ पे माइनस नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक माइनस यहाँ लगाता हूँ और एक माइनस यहाँ लगाता हूँ, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, लगा सकते हैं, क्यों लगा रहे, ताकि माइनस साइन एक्स जिसको हम लोग डी टी से रिप्लेस करें, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स, माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स। इसी बात को कुछ बुक्स में लॉग ऑफ सेक एक्स भी लिखा जाता है। ठीक है, माइनस साइन को एडजस्ट कर लेते हैं, माइनस साइन लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, रेस्ट टू द पावर माइनस वन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे माइनस वन, वन बाई कॉस एक्स इज वॉट, इट इज सेक एक्स। तो ये चार रिजल्ट्स कहां से निकले, सब्स्टिट्यूशन से। पहला रिजल्ट इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, व्हाट इज दैट, लॉग ऑफ
माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स या फिर लॉग ऑफ सेक एक्स, ठीक है। दूसरा रिजल्ट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, व्हाट इज दैट, लॉग ऑफ साइन एक्स। तीसरा रिजल्ट, लॉग ऑफ कोसेक एक्स, व्हाट इज दैट, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। एंड देन द फोर्थ वन इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, व्हाट इज दैट, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स। ये सब के सब अगर तुम सोच के देखो तो इसका ओरिजिन कहां से निकल के आ रहा है, इसका ओरिजिन कहां से निकल के आ रहा है, इन सब का ओरिजिन सिर्फ एक बात से निकल के आता है, व्हाट इज दैट, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इनटू डीएक्स, द इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज व्हाट, नेचुरल लॉग एफ एक्स। ठीक है बच्चों, आई होप यू गेट दिस राइट। सो इफ यू गेट दिस टेल मी द आंसर फॉर द सेवेंथ पार्ट, बताओ, ट्राई करके बताओ, सोच के देखो कैसे अप्लाई करोगे, थिंक अबाउट इट, बताइए मुझे सेवेंथ पार्ट। सो दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्कोप टू डिस्कस इट इन एनी वे राइट। अब यहां पे सोचना ये है कि या तो मैं इस x माइनस बी, ये जो डिनोमिनेटर में, इससे छुटकारा पा लूं, या फिर कुछ ऐसा क्रिएट कर दूं जिससे कि f डैश x अपॉन एफ एक्स, या फिर कुछ भी ऐसा एफ एक्स की पावर n इनटू f डैश x, कोई तो ऐसा फॉर्म आ जाए विच इज इंटीग्रेबल, विच इज रिकॉग्नाइज्ड। अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो चलो एक मेथड हमारे पास, अभी आपने ही सजेस्ट किया कि सर x माइनस बी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ठीक है, माइनस बी किया, माइनस बी करेंगे तो प्लस बी भी करना पड़ेगा, तो ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, ये इसको मैं ऐसे लिखता हूँ राइट, दिस इज हाउ आई वुड राइट इट राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही करती है राइट, न्यूमिनेटर वाली वैल्यू इतनी परेशान नहीं करती है जितनी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू परेशान करती है। अब जब मैं इसमें साइन ए प्लस बी अप्लाई करूंगा, ए कितना है मेरे पास, ए इज एक्स माइनस बी, बी कितना है, बी माइनस ए। अब मैं यहाँ पे साइन ए प्लस बी अप्लाई करना चाहूंगा, आओ जरा करके देखते हैं, लेट्स डू इट। तो साइन ए राइट, साइन ए इंटू कॉस बी, दैट इज बी माइनस ए, प्लस कॉस ए, दैट इज कॉस ऑफ एक्स माइनस बी इंटू साइन बी, दैट इज व्हाट, साइन ऑफ बी माइनस ए। दोनों एक्सप्रेशन किससे डिवाइड हो रहे हैं, साइन एक्स माइनस बी से डिवाइड हो रहे हैं, है ना, साइन एक्स माइनस बी से डिवाइड हो रहे हैं, ये भी और ये भी। अब देखो ये कुछ ऐसा है जिसको तुम बहुत इजीली डील कर सकते हो राइट, इसको इंटीग्रेट ही तो करना है भाई, वी जस्ट नीड टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहां तो ये तो फ्री हो गया, दिस हैज ओनली अ कांस्टेंट टर्म, cos b minus a इज व्हाट, इट इज अ कांस्टेंट टर्म। सो अगर आप इसको ध्यान से देखें, सो दिस इज cos b minus a इंटीग्रेशन ऑफ dx, दैट्स ऑल। और अगर तुम सेकंड एक्सप्रेशन को ध्यान से देख रहे हो तो यहां पे भी मैं क्या करूंगा, साइन बी माइनस ए को बाहर रखना चाहूंगा, और यहां पे क्या आएगा, कॉस अपॉन साइन इज व्हाट, दैट इज कॉट राइट, कॉट ऑफ एक्स माइनस बी। और कॉट की इंटीग्रेशन तो अभी अभी सीखी थी हम लोगों ने, कितना आंसर बोलोगे, दिस वुड बी एक्स कॉस ऑफ बी माइनस ए प्लस ये साइन बी माइनस ए एज इट इज, आप रहने दीजिए। और इसको क्या बोलिएगा, कॉट का क्या था, लॉग ऑफ साइन एक्स था क्या, यस, प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन में है ना, दैट इज इन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसको मैं एज इट इज सिर्फ इतना लिखना चाहूंगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर विच इज साइन ऑफ एक्स माइनस बी, सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड दिस कैन बी टेकन एज द फाइनल आंसर। ठीक है, एक इसमें ऑल्टरनेट तरीका जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं राइट, उसको भी हम देखते हैं, आइए उसका क्या स्कोप बनता है उसको भी सोचते हैं। दूसरा तरीका आपने, हालांकि ये बहुत इजी है और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया तो आप इसको यूज करें, अप्लाई करें। ठीक है, तो देखो अगर हम इसका एक ऑल्टरनेट तरीका सोचते हैं, बिकॉज कई बार होता है एग्जाम में कोई एक पर्टिकुलर मेथड उस टाइम पे नहीं आता माइंड में, तो ठीक है डिफरेंट मेथड्स इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आप सोच सकते हो, बस वो सही होना चाहिए राइट, उसमें कंसेप्चुअल कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ अगर मैं इसको कुछ समझ में, अगर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई होती तो मैं क्या करता, तो मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता। ठीक है, तो अगर मैं इसको ओपन करता साइन ए माइनस बी को यूज करते हुए, तो मेरे पास कितना आता, न्यूमरेटर में मेरे पास आता साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ ए। ठीक है, ओके, फैंटास्टिक, सही है ना, आई थिंक यस।
और डिनोमिनेटर में अगर मैं देखूं तो ये कितना देगा, साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ पी माइनस दिस वुड बी कॉस ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ पी, ठीक है, साइन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, डीएक्स। अच्छा जी, अब क्या करना चाहिए, अब अगर मैं ऊपर नीचे कॉस एक्स कॉमन ले लूं तो कुछ टैन के फॉर्म में हम क्रिएट कर पाएंगे, है ना। अगर हम ऊपर नीचे कहीं कुछ कॉस एक्स कॉमन ले लें तो हम इसमें टैन के फॉर्म में कुछ क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। चलो सोचते हैं, आओ देखते हैं, मेरे पास थोड़ा टाइम और है, आओ उसको देखते हैं। कॉस एक्स से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहां मुझे मिलेगा टैन एक्स इंटू कॉस ऑफ ए माइनस साइन ए, ठीक है। मैंने करा क्या है, मैंने कुछ नहीं, मैंने कॉस एक्स से सारे टर्म को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टैन एक्स हो गया, कॉस एक्स यहाँ चला गया, यहाँ पे भी कितना जाएगा टैन एक्स राइट इंटू कॉस ऑफ बी कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ बी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। सडनली ये जो मेथड है ये ज्यादा लेंदी सा लग रहा है, इतने दो स्टेप करने के बाद ही पता लग रहा है कि हाँ ये लेंदी होने जा रहा है। यहाँ दो स्टेप करने के बाद ही पता लग रहा था कि हाँ हम कुछ रिड्यूस होता हुआ रिड्यूस रिडक्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या सोचना चाहिए, अब इस अब अगर इसमें हम कुछ और सोचने की कोशिश करें तो बस इतना ही सोच सकते हैं कि टेन एक्स को अगर हम लोग टी लें तो ऊपर सेक्स स्क्वायर एक्स चाहिए जो कि ऐसा दिख नहीं रहा है, तो ये मेथड कहीं ना कहीं हमें शायद सही डायरेक्शन में लेके नहीं जा रहा है ना। यहाँ हम कुछ ऐसा क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं जिससे या तो सिंप्लीफाई हो रहा हो या कोई सब्स्टिट्यूशन दिख रहा हो, तो ऐसी कोई भी चीज क्रिएट नहीं हो पा रही है, ठीक है। सो आई प्रेफर द फर्स्ट मेथड इन सच क्वेश्चंस, ठीक है। टेल मी यस और नो।